दोबारा से स्वागत कर रहा हूँ। एंड बहुत दिनों से मेरे को भाई लोग पूछ रहे हो कि बोल्ड भाई डायमंड एंड पर्ल आ गया है न्यू वर्जन, आप खेलो। ब्रदर्स आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है, मैं डेफिनेटली खेलने वाला हूँ। जैसे ये गेम कंप्लीट होता है तुरंत मैं खेलने वाला हूँ। एंड लास्ट एपिसोड में आप सभी भाई लोगों ने देखा था कि कैसे हमको देखने को मिला था किंग ऑफ बाउंटीफुल हार्वेस्ट। और गाइस अभी मुझे कहाँ पे जाना है, लास्ट एपिसोड में आप सभी भाई लोगों ने ये भी देख लिया था कि मैंने रेंज ऑफ यूनिटी बना लिया था, ठीक है, रेंज ऑफ यूनिटी बना लिया था। तो आज शायद से हम ग्लिस्टियर को, ग्लिस्टियर था ना उस घोड़े वाले पोकेमॉन का नाम, हाँ, ग्लेस्टियर के पास जाने वाले हैं और उसको रेंज ऑफ यूनिटी देने वाले हैं। और रेंज ऑफ यूनिटी दे करके उसको और बाउंटीफुल हार्वेस्ट को हम लोग दोबारा से भारत मिलाप करने वाले हैं, आई मीन रीयूनाइट करने वाले हैं, ठीक है। आज तो ज़्यादा ही यहाँ पे स्नो है। ओ एप्सोल, ओ भाई साहब एप्सोल दिखा यार, अरे भाई पकड़ ही लेंगे यार, लग देख रहे हो ब्रो। आज डे कौन सा है यार, आज बूट बार है। वैसे गाइस बूट बार मेरा कोई लकी डे नहीं, एक्चुअली लकी डे है ही नहीं, ठीक है। अभी के लिए अभी मेरा थोड़ा सा टाइम खराब चल रहा है, बट इट इज़ ओके गाइस, इट इज़ ओके। आप लोग मेरे टाइम को अच्छा कर सकते हो, अगर चैनल पे न्यू हो तो जरूर से गाइस सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके तो एप्सोल को तो डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ, देखते हैं। मैंने इसके ऊपर गीगा इंपैक्ट यूज़ किया था ना भाई, टायरेंटर मार मत देना, ठीक है, मार मत देना इसको प्लीज़ भाई। अरे यार मेरे को लगा था मार डालेगा यार, अरे क्यों करते हो यार ऐसे। मैंने बोला था ना गाइस मेरा टाइम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। ओ बाप रे गाइस कॉस्मोक तो लेवल 5 से लेवल 14 पहुंच चुका है। अरे भाई ये होता है लेवल अप गाइस, ये होता है लेवल अप। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी मिल जाएगा शायद से, देखते हैं। अरे यार मेरे को लगा था उस एप्सोल को मैं पकड़ लूँगा, लेकिन यार मेरा टायरेंटर्म कुछ ज़्यादा ही शक्तिशाली निकला। एक बार ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा वाला जायगंटा मैक्स पोकेमॉन है, दिखाओ। अच्छा एल्टेरिया है, ड्रैगन फ्लाइंग, पकड़ लूँ क्या एल्टेरिया को, हैं पकड़ तो सकता हूँ, पकड़ ही लेते हैं क्या। अच्छा पकड़ लेते हैं गाइस, अपने जायगंटा मैक्स चार्जर्ट को लाते हैं और पकड़ लेते हैं। एंड गाइस मैंने आप सभी भाइयों से बोला था ना कि मेरे पास दो टायरेंट्रम है, ये देखो गाइस, एक टायरेंट्रम ये है और एक टायरेंट्रम ये है, और बाकी मेरे पोकेमॉन टीम को आप देख सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा पोकेमॉन है अभी मेरे पास, ठीक है। तो गाइस मुझे टायरेंट्रम को चूज करना चाहिए, ठीक है, मैं टायरेंट्रम को चूज करता हूँ, टायरेंट्रम को ही चूज करते हैं। चलो गाइस टायरेंट्रम को चूज करते हैं, क्योंकि मैंने इसका अभी तक जायगंटामैक्स फॉर्म देखा नहीं। ये वैसे गाइस जायगंटामैक्स करेगा नहीं, आई थिंक ये डायनामैक्स ही करेगा, ठीक है। मेरा सिर्फ चार्जर्ट ही अपने टीम में सिर्फ जायगंटामैक्स कर सकता है। ओके देख सकते हो अल्ट्रिया, मुझे अल्ट्रिया वैसे चाहिए था गाइस, ठीक है। ये एक ड्रैगन फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। पहले जब मैं पोकेमॉन एपिसोड देखा करता था तब मेरे को लगा नहीं था कि ये एक ड्रैगन पोकेमॉन है। एक बार मैंने शायद से कौन से वाला एपिसोड में था, एक सेलर वाला एपिसोड, ठीक है, एक जहाज में ऐश लोग गए थे और फिर एल्टेरिया को, और फिर फर्स्ट टाइम मुझे एल्टेरिया वहाँ पे दिखा था, और तब जाके मेरे को मालूम चला कि एल्टेरिया एक ड्रैगन फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। तो गाइस मज़ा आने वाला है गाइस, तो आप अभी देखने वाले हो एक टीरेक्स को, ठीक है, ये टीरेक्स ही है गाइस, टायरेंट्रम तो एक टीरेक्स ही है ना। तो अभी एकदम टीरेक्स फुल फॉर्म में आ जाएगा, आप लोग देखिए कितना बड़ा हो जाएगा गाइस, अभी तो एकदम रियल टीरेक्स की तरह बन जाएगा। ओ बाप रे गाइस ये रियल टीरेक्स की तरह बन गया है ना गाइस, ओपी बोलते यार। ओ भाई साहब गाइस इसका यार जायगंटामैक्स कितना खूबसूरत होगा यार। चलो मैंने क्या रॉकफॉल यूज करा था ना, मैक्स रॉकफॉल, ओके फटका तो पड़ेगा ब्रो, सुपर इफेक्टिव है ना। जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पड़ा गाइस, वाह, लेकिन एक सैंडस्टॉर्म एराइज हो गया है। ओके देखते हैं अभी अल्ट्रा कौन सा वाला मूव यूज करेगा। अरे अल्ट्रा ने तो एक बैरियर लगा लिया यार, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैरियर को हम लोग तोड़ देंगे। वैसे मेरे टीम में कौन कौन है, ओ एक और टायरेंट्रम है जैसे कि देख सकते हो, सोलरॉक है और ये है वाबाफेट है। ओके अरे यार अल्ट्रा ने गाइस अपना डिफेंस बढ़ा लिया। ओ वाओ ये कौन सा था, ये क्या था, ओ भाई सोलरॉक को काफी बढ़िया वाला डैमेज मिला यार, काफी बढ़िया वाला डैमेज मिला गाइस सोलरॉक को। ओके स्टोन एज यूज कर रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो टायरेंट्रम नहीं यूज करा था ना, यस ये रॉक पॉलिश यूज कर रहा है, लेकिन रॉक पॉलिश से यार इसको थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, इसका स्पीड राइज होगा। यस अभी अभी फिर से मुझे यूज करना पड़ेगा गाइस, मैं अभी क्या यूज करूँगा इस, मुझे दोबारा से मैक्स रॉक फॉल यूज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और सुपर इफेक्टिव मूव है नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया रॉक थ्रो यूज करा, बहुत बढ़िया। अब मैं गाइस यूज कर रहा हूँ रॉक फॉल, अब देखते हैं मैं इसका कितना बैरियर तोड़ पाऊंगा, ठीक है। मैंने इसका तीन बैरियर तोड़ दिया ना, ओपी बोल्टे
ओपी बोल्ट टाइडेंट्रम मैक्स रियल विन यूज कर रहा है गाइस, ये मेरे ऊपर यूज कर रहा है। अरे बाप रे, मेरे को फटका पड़ा हाँ गाइस, मेरे को फटका पड़ा हाँ। ओके अरे इसके बैरियर को तोड़ो ना यार, एल्ट्रेरिया के बैरियर को जल्दी से तोड़ो यार। स्टोन एज यूज करे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब तो बैरियर टूट चुका है, अब तो अल्टेरिया को फर्क पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है ठीक है, क्योंकि सारे के सारे लोग रॉक अटैक ही रॉक टाइप अटैक से यूज कर रहे हैं ठीक है। ऑलराइट ओके आप यूज कर, एमनेशिया यूज करा इसने। अरे वाह वाह, फिर यार कुछ तो अच्छा अटैक यूज कर लिया कर मेरे भाई। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस, इसको सैंडस्टॉर्म से फर्क पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ओके गाइस मैं दोबारा से यूज करना, मुझे दोबारा से यूज करना पड़ रहा है गाइस मैक्स रॉकफॉल। ओ साइकिक, साइकिक से इतना फर्क नहीं पड़ा यार, क्योंकि ये तो एक फ्लाइंग ड्रैगन टाइप है ना। मैक्स रॉकफॉल से इस बार लेकिन पढ़ने वाला है, क्योंकि इसका स्पेशल डिफेंस भी गिर गया है। ओ भाई सब स्पेशल डिफेंस तो गिर गया था, फिर भी 200 डैमेज मिला इसको हैं गाइस। अरे यार कितना बार बैरियर लगाओगे, कितना बार बैरियर लगाओगे यार। गाइस आप लोग मेरे को कुछ सॉल्यूशन दो ना यार, ऐसे जब लोग ये लोग बैरियर यूज करते तो मुझे क्या करना पड़ेगा यार, ताकि जल्दी से मैं इनके बैरियर को तोड़ सकूं। अरे यार अभी मेरा टायरेंटम फिर से मतलब नॉर्मल वर्जन में आ जाएगा गाइस। मून ब्लास्ट यूज कर रहा है अल्टेरिया, बाप रे गाइस वाबेफर को क्या ही डैमेज किया यार। मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं अल्टेरिया को डिफीट कर पाऊंगा ठीक है। देख सकते हो मैंने बोला था ना गाइस मैं अभी नॉर्मल रूप में आने वाला हूँ, ये देखो मेरा टायरेंटम तो नॉर्मल रूप में आ गया। चलो गाइस मैं हैच स्मैश यूज करने वाला हूँ, मेरे पास सिर्फ दो ही है यार, सिर्फ दो ही पीपी बाकी है गाइस, दो पीपी में ही इसको हराना पड़ेगा। साइकिक यूज करा, बहुत बढ़िया, इसका हेल्थ बार तो येलो में आ गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके मेरे को भी लेकिन डैमेज मिला। आप ये क्या यूज कर रहे हैं, नलिफाइड द स्टैट चेंजेस एंड एबिलिटीज ऑफ अदर पोकेमॉन, ड्रैगन ब्रेड यूज करे, अगर मेरे ऊपर करेगा तो। अरे मेरे ऊपर ही किया यार, सुपर इफेक्टिव। स्टोन एज कमन कमन, यस बहुत बढ़िया। अब यार अल्ट्रिया प्लीज हार जाओ यार, हाँ टूट गया इस बार, टूट गया। अब देखते हैं गाइस इस बार हरा पाएंगे कि नहीं, हम लोग तीनों मिलकर के इसको हरा पाएंगे कि नहीं, लेट्स सी। इसका हेल्थ बहुत डाउन हो गया लेकिन, हाँ काउंटर यूज कर रहा है, फाइटिंग टाइम मूव बट इट फेल्ड। ओके मून ब्लास्ट दोबारा से यूज कर रहा है, किसके ऊपर गया, वाबफर गया गाइस, वाबफर गया। अब सिर्फ मैं सोल रॉक और टायरेंटम, दो दो टायरेंटम बाकी है। ओ बाप रे गाइस द स्टॉर्म रेजिंग यूज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके गाइस चलो यूज करते हैं हेड स्मैश, मैं गीगा इंपैक यूज कर सकता हूँ इसके ऊपर, पर गीगा इंपैक से ओ हरा दिया गाइस ओपी। लेकिन टायरेंट ट्रम्प भी इसी के साथ हार गया ना, टायरेंट ट्रम्प भी इसी के साथ डिफीट हो गया। अब देखते हैं इसको मैं पकड़ पाऊंगा कि नहीं ठीक है, आई डोंट थिंक सो इसको पकड़ पाऊंगा, लेकिन टायरेंट ट्रम्प ओ पकड़ पाएंगे ब्रो, पकड़ पाएंगे यस, क्योंकि हरा तो दिया था ना, यस बहुत बढ़िया। टायरेंट ट्रम्प मर गया लेकिन इसको भी मतलब हरा दिया ठीक है, मजा आ गया गाइस। मेरे पास अभी एक और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन आ जाएगा और वो है अल्टेरिया, मुझे अल्टेरिया को पकड़ना था गाइस ठीक है। ये पोकेमॉन दिखने में क्यूट हो सकता है बट दिस पोकेमॉन इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग यू नो, ड्रैगन फ्लाइंग है यार। ओके आएगा ना यस आएगा, यस 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 आ गया, हमें मिल चुका है और एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन। ये क्राउन श्राइन तो काफी ऊपर है ब्रो, काफी ऊपर है क्राउन श्राइन, देख सकते हो ये मैटिंग तो गर्ड दे रहा है यहाँ पे। ओके हम लोग टनल टूटा, ओ टॉप 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 टॉप, यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे बेगॉन था ठीक है, यहाँ पे बेगॉन है मतलब सेलेमेंस भी देखने को मिलेगा ठीक है यहाँ पे डेफिनेटली गाइस। अरे जुबेट यार, मेरे को सख नफरत है इस पोकेमॉन से, पता नहीं क्योंकि ये पोकेमॉन मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किए एक टाइम पे गाइस, आप लोगों को भी परेशान किए है मुझे पता है। जब भी मैं गाइस खेलता हूँ ना मुझे केव से जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, और वो क्यों, क्योंकि क्या जुपेट निकलता है ना, जुपेट इतना ज़्यादा स्पॉन होते हैं, इतना ज़्यादा स्पॉन होते हैं। ये देखो वन शॉट बोल्ट यार, सिंड्रेस वन शॉट बोल्ट है, बहुत बढ़िया, इसके मुंह पे ही पड़ा ब्लेड्स के। ओके कॉस्मोक लेवल 18 का हो चुका है, बहुत बढ़िया, जल्द ही गाइस ये कॉस्मोक अपने सेकेंड इवोल्यूशन स्टेज में पहुंच जाएगा। एंड अगर रात में मैं कॉस्मोक को इवॉल्व करूंगा तो वो शायद लूनाला बनेगा, एंड मुझे लूला क्या बोल रहा हूँ, मैं लूनाला नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ गाइस सोलगैलियो ठीक है। ओके बहुत दिनों के बाद गाइस क्लेफेबल को देख रहा हूँ, क्लेफेरी था ना, क्लेफेबल था ये।
ओके यहाँ पे और एक पोकेबॉल है यार, पेयर ऑफ सेफ्टी गॉगल्स। ओके ओके गाइस हम लोग टॉप में पहुंच चुके हैं शायद से। पाथ टू द पीक, ये देख सकते हो पाथ टू द पीक। ओ वाओ गाइस हम लोग कहाँ पे आ गए, देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, ये तो ए व्हाट, ये देखो ना, ये देखो ना, ये वो एक मिनट, ये कौन सा वाला पोकेमॉन है, मैंने इस पोकेमॉन को पहले देखा नहीं। हाँ सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस, मैंने इस पोकेमॉन को पहले देखा नहीं। चलो गाइस थोड़ा सा एनर्जी ही ले लेते हैं, 50 वाट मिला। ओ माय गॉड सेलेमेंस गाइस, डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ ब्रो, डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सेलेमेंस है ना उसके उसका जो अटैकिंग स्टैट्स है वो इतना अच्छा नहीं है, तो देखते हैं इसका ये कैसा होगा। ठीक है लेट्स फाइंड आउट इसका लेवल कितना है और ये कितना ताकतवर है, लेट्स फाइंड आउट गाइस। 68 का है, ओके ओपी ओपी ओपी, लेकिन इसको मैं हरा तो नहीं पाऊंगा शायद से, बट मैं बाउंस यूज कर रहा हूँ सेलेमेंस के ऊपर। ऑलराइट ये फोकस एनर्जी यूज कर रहा है मेरे ऊपर, अब देखते हैं बाउंस से इसको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन देखते हैं देखते हैं। और यार कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यार, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, बट गाइस ये पैरालाइज हो गया है। ऑलराइट आउटरेज यूज कर रहा है, शायद से सिंड्रियस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। अरे मार दिया, ओ नहीं मारा यार, ओ भाई मेरे को लगा था मर ही गया। ओके पायरो बॉल यूज करते, सिंड्रियस दिखा दो अपने सबसे ताकतवर मूव पायरो बॉल। सेलेमेंस ये जेल के दिखा, मैंने बोला था ना सेलेमेंस ये जेल नहीं पाएगा, तो अभी मैं सेलेमेंस को पकड़ पाऊंगा। सिंड्रियस शायद से हार जाएगा, लेकिन ओपी ओपी गेम प्ले सिंड्रियस, ओपी गेम प्ले ठीक है, सिंड्रियस ओपी हो जाना चाहिए आज कमेंट सेक्शन में ठीक है। ये कंफ्यूज भी हो गया गाइस। ऑलराइट यूज नेक्स्ट पोकेमॉन, अभी मेरे पास तो ग्राउडन और कॉस्मोक है और चारिजार्ड है, चारिजार्ड के ऊपर मुझे फुल रेस्टोर यूज करना पड़ेगा। ग्राउडन आ गया है गाइस, ग्राउडन आ गया है, और उस दिन मेरे को एक भाई बोल रहे थे बोल भाई प्लीज आप यूज करो स्वीकून को। हाँ गाइस बहुत अच्छा यार दिल है, स्वीकून को यूज करना पड़ेगा यार। वन, अरे यार तोड़ दिया यार, तोड़ दिया, लेकिन ये कंफ्यूज है शायद से ये अटैक नहीं कर पाएगा मेरे को, ये सपने आपको ही हार्ट करा। ओके इसका तो अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया। चलो गाइस इसके ऊपर ना मैं अल्ट्रा बॉल ही यूज करता हूँ ठीक है, अल्ट्रा बॉल यूज करके इसको पकड़ लेते। चलो यस वन, अरे बहुत बढ़िया, एक ही बार में आ गया, एक ही बार में आ गया, क्योंकि एचपी भी बहुत ज़्यादा कम था ना। यस कॉस्मो ग्रो टू लेवल 22, तो ये है गाइस क्राउन श्राइन। ऑलराइट तो इसके अंदर ही होगा गाइस वो ग्लेस्ट्रियर पोकेमॉन, लेकिन यहाँ पे एक आइटम है, उस आइटम को लेकर के ही चलते हैं। ले लो, ले क्यों नहीं पा रहा हूँ गाइस, देख सकते हो। ओके ओके मैक्स रिवाइव, बहुत बढ़िया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके गाइस देख सकते हो वहां पे पियोनी है और वहां पे किंग ऑफ बॉन्टिफुल हार्वेस्ट कैलोरिक्स भी है ठीक है। ओके तो बात करना पड़ेगा अभी इससे। यस I have been waiting, human child. Okay, the crown shrine is a place I once called home. Glastrier must think me helpless now that I have lost my powers. It taunts me by making this place's own dwelling. Acha, ah, I see you have indeed bought me the reins of unity. You have my tank, child. Yes, guys, हमने reins of unity दे दिया है। अभी शायद से Glastrier फिर से दोबारा से आने वाला है। Ah, the feeling of holding this again, the color, the way they shine in the light. Oh, how this bring back memories. Glastrier is a very proud Pokemon. One might even call it arrogant. It will not accept me as its master again unless I'm able to prove that my power outweighs its own. Okay, इसको prove करना पड़ेगा मतलब Calyrex को. I will use the reins of unity to pour my power into the very body of my loyal steed. Okay, that should convince it that I am indeed still deserving of the loyalty. Now, human child, in order to lure my loyal steed to me. Okay, अब क्या करना पड़ेगा? Place the ice carrot. Ice root carrot in the basket near where Glastrier made its bed. Okay, तो यहाँ पे मुझे अपना गाजर रखना पड़ेगा ठीक है, मैंने यहाँ पे ice carrot रख दिया है, तो शायद से अभी Glastrier आने वाला है ठीक है, देखते हैं। The time has come, human child. Okay, but you have successfully defeated my loyal steed once already. It will not willingly approach anyone it considers to be a threat. Okay, We must hide and wait for it to appear. अच्छा Glastrier को मैंने एक बार हरा दिया ना, तो ये बोल रहा है कि अब दोबारा से तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि उसको तुमने एक बार हरा दिया, तो अभी थोड़ा सा ये डर लगेगा ठीक है, उसको डर लगेगा तुम्हारे साथ फिर से फेस ऑफ करने के लिए। अरे वाह मेरे को तारीफ मिल गया यार,
ओके ग्लेस्टियर आने वाला है गाइस, ग्लेस्टियर आने वाला, हम लोग चुप चुप के देख रहे हैं, जैसे कि देख सकते हो देखो ना गाइस, ओ रेंज ऑफ यूनिटी ये है गाइस, देख सकते हो रिबॉन टाइप चीज, ये है ग्लेस्टियर गाइस। अगर मेरे को ग्लेस्टियर मिल जाता है ना तो अब तो यार ओपी 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 चिल्लाएंगे यार, क्योंकि मेरे पास कोई ढंग का इस टाइप पोकेमॉन है ही नहीं, ठीक है। और गाइस ये एक मिथिकल पोकेमॉन है, खा रहा है गाइस, देख सकते हो आइस कैरोट को। ओके अभी रेंज ऑफ यूनिटी शायद से इसके ऊपर देने वाला है। ये गाइस कुछ बहुत गड़बड़ होने वाला है, ठीक है, देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है, मतलब हो ही रहा है, गड़बड़ हो ही रहा है गाइस, देख सकते हो। ओ शायद से, ओ नो नो नो, ठीक हो गए ठीक हो गए ठीक हो गए, यस दोनों फिर से मिल गए गाइस, दोनों फिर से मिल गए, वाओ वाओ मजा आ गया ये चीज देख के, देख सकते हो गाइस ग्लेस्टियर फाइनली, और ग्लेस्टियर और बॉन्डीफुल हार्वेस्ट कैलोरिक्स फिर से मिल ही गए। ओ वाओ गाइस, ओ वाओ, अब देखते हैं क्या होता है गाइस। ओ वाओ क्या शाइन कर रहा है, देख सकते हो, और शायद से गाइस कैलोरिक्स का पावर भी वापस से आ गया है। ग्लेस्टियर का आंख नहीं है लेकिन, देख सकते हो, मतलब बर्फ से ढका हुआ है। अब मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा क्या, मुझे तो पकड़ना था इसको। What in the world? Such a huge noggin and it got the right? Okay. Crow round. Calyrex अभी कुछ नहीं बोल पाएगा मुझे क्योंकि पियोनी का बॉडी इसने छोड़ दिया ना। ओके वाह इट कैन टॉक, ये देख सकते हो। What do you want? ये अभी क्या बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पियोनी का बॉडी इसे छोड़ दिया तो अभी मुझे कैसे समझ में आएगा यार, पोकेमॉन का भाषा तो मैं समझ नहीं पाता हूँ ना। आई हैव गॉट नो आइडिया वॉट यूर सेइंग बट सम हाउ इट ऑल्सो मेक सेंस। ओके होल्ड द फोन, वॉट इन द वर्ल्ड आर यू एनी वे। ओ फिर से इसके बॉडी को कंट्रोल कर दिया, अभी मुझे शायद से बोलने वाला है, ये देख सकते हो कैलोरिक्स बोल रहा है ह्यूमन चाइल्ड थैंक्स टू योर एफर्ट्स आई हैव बीन रियूनाइटेड विथ माई लॉयल स्टेट। ओके एंड नाउ आई एम फाइनली एट माई फुल पावर, आई वॉज कन्विंस दैट द पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन मी एंड आई ऑल्सो लॉस्ट माई लॉयल स्टेट, आई वॉज ट्रैप्ड इन द थ्रोस ऑफ डीप लोनलीनेस बट यू सेव मी, दे आर ट्रूली नो वर्ड्स विथ विच टू फुल्ली एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड यू, सो आई हैव अ सजेशन। ओके इफ यू आर एबल टू कैच मी इवन विथ माई पावर रेस्टोर्ड, ओ इसको हम लोग कैच कर पाएंगे, इट विल प्रूव योर वर्ड बियॉन्ड एनी डाउट एंड आई विल लैंड यू माई स्ट्रेंथ ऑन योर जर्नी, Once you have readed yourself, come face me. But first, I should get this man back to where I found him. It would be no good to let him freeze out in this fridge climb. Oh, guys, हम लोग कैलोरिक्स को भी पकड़ सकते हैं और ग्लेस्टियर को भी पकड़ पाएंगे यार। यार पोकेमॉन सॉर्ट तो कमाल का है। ओके, मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। आ जाओ। क्या हुआ? हाँ, मैं रेडी हूँ यार। You should come back when you are as strong as a champion. ओ माई गॉड, तो चैंपियन बनने के बाद ही मैं इसको पकड़ पाऊंगा ब्रो। देख सकते हो गाइस कैलोरिक्स फुल पावर इज टू मच टू विदस्टैंड, यू कान इवन होल्ड ऑन टू योर पोकी बॉल्स, यू शुड कम बैक व्हेन यू आर एज स्ट्रांग एज अ चैंपियन। तो गाइस ये काफी खतरनाक पोकेमॉन है। तो गाइस आज हम लोग इधर से निकलते हैं। चलो गाइस आज हम लोग अपना पोकेमॉन जर्नी कंप्लीट करने वाले हैं, फिर हम लोग यहाँ पे गैलेरियन बर्ड्स को भी पकड़ लेंगे, रेजी ड्रैगन, रेजी स्टील जो भी है उन लोग को भी पकड़ ही लेंगे, ठीक है। ए फ्यू मिनट्स लेटर, वो रहा सामने गाइस हैमरलॉक स्टेशन। यस गाइस हम लोग हैमरलॉक स्टेशन पहुंच चुके हैं। गाइस मेरे को लोग कुछ बोल रहे थे, एक मिनट, लोग क्या बोल रहे थे वो देख लेते। चलो ये देख सकते, कुछ बोल रहे थे, लेट्स गो बोल, लेट्स गो, बाप रे, कई कुछ दिनों तक तो मेरा नाम भी कोई नहीं जानता था, अब तो देख सकते हो लेट्स गो बोल, लेट्स गो। और यहाँ पे आई विल बी चीयरिंग फॉर यू ड्यूरिंग द सेमीफाइनल, थैंक यू सो मच यार। तो गाइस मजा आ रहा है यार, सेमीफाइनल सुन के ही मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अब क्या हो गया? ओ हॉप आ गया। आई हैड रायहान बीट इन नो टाइम, वंस आई गॉट माई हेड ऑन स्ट्रेट एंड स्टॉप डाउटिंग एवरी डिसीजन मेड, दैट इज है आ गया है हॉप गाइस। क्या हॉप के साथ मुझे दोबारा से मुकाबला करना पड़ेगा? अच्छा आ गया है रायहान, एंड यू नेवर स्टॉप नेटरिंग ऑन थ्रू द एंटायर बैटल। तो फाइनली गाइस हॉप एकदम पहले की तरह बन गया, पहले की तरह जोशीला बन गया। यू आर प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम द चैंपियन इन दैट, बट योर स्ट्रेटजी जेन्युइन एज प्रूवन बाय द ड्रैगन बैज यू वॉन फ्रॉम मी, यू केम एट मी विद ऑल द फोर्स ऑफ ए रेजिंग स्टॉर्म एंड इवन आई वॉज ब्लोन अवे। अरे वाह, तो इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया होगा क्योंकि रायहान तो कम वाला जीम लीडर है नहीं, ठीक है। लिसन अप यू टू, बैटल योर वे थ्रू द चैंपियन कप टूर्नामेंट टू फेस लियोन। ओके I reckon I am still the favorite to win, so I will ring up every last thing I learned during my battle with you, Raihan, to beat him. Okay, so get a move on, bold. The train's waiting. So guys, हम लोग अभी train पकड़ के जाने वाले हैं। कहाँ पे जाने वाले हैं, guys? ये चीज़ मेरे को नहीं पता, लेकिन
गाइस जैसे हमने ट्रेवल किया था फर्स्ट वेज हर्ट से गाइस मोटो स्टॉक, उसी तरह नहीं वेज हर्ट से वाइल्ड एरिया, उसी तरीके से हम लोग फिर से जा रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे गाइस? हम लोग जा रहे हैं गाइस सेमीफाइनल्स के लिए, ठीक है। वी आर फाइनली हेडेड फॉर विंडन, देख सकते हो ये है विंडन। There's a lot want to check out there. There's a big tower and monorail. Oh wow, ये है Pokemon Stadium and Windon Stadium where the whole of Galar region know the world is gonna be. Okay. देख सकते हो। Yet you get it right. You and me are gonna make our match. They're the greatest match ever. Okay. Guys, हम लोग पहुंच चुके हैं Windon. Okay. और वाओ गाइस ये भी बर्फीला जगह ही है, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे को काफी शक्तिशाली पोकेमॉन्स देखने को मिल सकते हैं। सो दिस इज रूट 10, इट्स लाइक ए वॉल मेड आउट ऑफ स्नो के बैट। देयर विल बी आइस टाइप पोकेमॉन क्रॉलिंग आउट ऑफ द वुड वर्क इन ए प्लेस लाइक दिस। ओके तो देखते हैं गाइस इस एरिया में हमको कौन कौन से आइस टाइप पोकेमॉन्स देखने को मिलेगा। रैकन विल बी एबल ट्रेन आवर सेल्फ अप टू न्यू हाइट्स हियर बिफोर द चैंपियन कप स्टार्ट्स। ओके आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड द पोकेमॉन ऑफ माई टीम एंड आई नो वी विल ऑल गेट लॉट स्ट्रॉन्गर। ओके सो आई एम ऑफ सी यू इन विंडन मेट। तो ये तो चला गया गाइस, तो मुझे यहाँ से अकेले ही जर्नी को कंप्लीट करना पड़ेगा। हो मिस्टर माइम और ये गाइस गैलेरियन मिस्टर माइन है, ठीक है। बहुत दिनों से भाई लोग मेरे को बोल ही रहे थे कि बोल भाई इसको डेफिनेटली पकड़ लेना, ठीक है। एंड गाइस जब लुकारियो को देखता हूँ ना तब बहुत ज़्यादा जोशीला फील करता हूँ यार। इसी को लेकर के मैं आज जाने वाला हूँ गाइस, फाइट करने वाला हूँ। क्या मज़ेदार बैटल होने वाला है ना। तो इसको उड़ा देते हैं, ठीक है, मिस्टर माइन को उड़ा देते हैं। अभी मुझे मिस्टर माइन को नहीं पकड़ना है। अरे यार लुकारियो को तो डैमेज ही नहीं दे पाया। गया वन शॉट बोल्टे यस फेंटेड। गाइस ये क्या आइस साइकिक टाइप पोकेमॉन है ये मिस्टर माइम? क्योंकि नॉर्मल वाला तो गाइस एक साइकिक टाइप पोकेमॉन है, ठीक है। ये क्या आइस साइकिक है? चलो गाइस इधर से निकलते हैं, इसके साथ बैटल करना पड़ेगा। तो चलो इसके साथ बैटल कर ही लेते हैं। आजा भाई आजा 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 आजा। डू यू हैव एन इंजर्ड पोकेमॉन? आई एम अ डॉक्टर। ओके क्या ये हिल अप भी करके देगा? ओके डॉक्टर तुम्हारा तो तबीयत देख के लग रहा है कि तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। चलो भेजो अपने पोकेमॉन को। गार्डियन वॉर साइकिक टाइप पोकेमॉन और काफी स्ट्रांग पोकेमॉन है गाइस गार्डियन वॉर। और सामने है लुकारियो गाइस, सामने है लुकारियो। ओके लेवल 45 का है, एक ही बार में उड़ा देंगे ब्रो। ऑरा स्प्रे नॉट वेरी इफेक्टिव, रॉक स्लाइड ही यूज करते। चलो कमान तुम वन शॉट बोल पाओगे ना? अवॉइडेड द अटैक, मुझे लगा था अवॉइड करेगा। अच्छा डेजलिंग ग्लिम यूज कर रहे, फेरी टाइप अटैक, इतना डैमेज नहीं दे पाया, ठीक है। चलो ओह हेल से मेरे को थोड़ा सा डैमेज मिला गाइस, ठीक है, इसको भी मिला। तो गार्डियोफोर को इस बार तो मैं हरा दूंगा, ठीक है। लुकारियो इज वेटिंग फॉर योर कमांड। ओके रॉक साल यूज करे, इस बार तो लगेगा डेफिनेटली। अरे बाप रे फिर से अवॉइड कर दिया, इसलिए गाइस मैंने बोला था ना गार्डियोवर काफी शक्तिशाली पोकेमॉन है। काम माइंड यूज कर रहा है यार। ऑलराइट गार्डियोवर बहुत बढ़िया खेल रहे हो यार। चलो गाइस अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसने तो दो बार रॉक स्लाइड को अवॉइड कर ही दिया है। तो गाइस मुझे अभी एक इफेक्टिव मूव ही यूज करना पड़ेगा और वो है गाइस डिक, ठीक है। डिक से इसको कितना फर्क पड़ेगा लेट्स फाइंड आउट गाइस। कमाल लुकारियो दिखा दो गार्डियोवर को, वन शॉट अगर दे पाओगे तो अपने भाई लोग लुकारियो ओपी लिखेंगे, लिखोगे ना गाइस? तो देखते हैं गाइस ये वन शॉट दे पाएगा कि नहीं, ठीक है लेट्स फाइंड आउट गाइस। लुकारियो यूज डिक, गया वन शॉट बोल दिया। तो गाइस लुकारियो ओपी हो जाना चाहिए अभी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लुकारियो ओपी यार सही में बहुत ज्यादा पसंद आता है ये पोकेमॉन। काश अगर मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर होता तो मेरे टीम में तो डेफिनेटली लुकारियो तो होता ही होता, ठीक है। मैं लेजेंडरी पोकेमॉन्स को मतलब लेजेंडरी पोकेमॉन्स को पकड़ना बहुत ही बड़ा बात हो जाता है ना। लेकिन गाइस अगर नॉर्मल टाइप पोकेमॉन में अगर कोई पोकेमॉन मेरे पास होता, अगर मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर होता तब मैं लुकारियो को डेफिनेटली रखता यार। ओ एक मिनट गाइस इसके साथ मुझे बैटल करना पड़ेगा क्या? मेरे को लगा था ये कुछ बेचने वाला है। चलो देखते हैं ये क्या रॉक टाइप पोकेमॉन यूज़ करने वाला है। देखने से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये रॉक टाइप पोकेमॉन यूज़ करने वाला है। हाई का डॉगलास, ओके भेजो अपने पोकेमॉन। स्टीलिक्स बहुत बढ़िया गाइस। लुकारियो तो पेल के रख देगा ब्रो, ऑरा स्पेयर से तो पेल के रख देगा, ठीक है। मजा आने वाला है गाइस वन शॉट फिर से बोल पाएगा लुकारियो। ऑरा स्पेयर दिखा दे, यस लुकारियो कमान वन शॉट बोलते, यस गाइस वन शॉट बोल दे लुकारियो ओपी यार। मजा आ गया, स्टीलिक्स को एक ही फटके में हरा दिया यार। वैसे गाइस आप लोगों ने स्टीलिक्स का मेगा रिवॉल्यूशन फॉर्म देखा कि नहीं गाइस? क्या मस्त है ना। मैंने कल या परसों एक फाइट देखा था, ठीक है, वहां पे ब्रॉक वर्सेस एक था, ये कौन था गाइस, अलोला रीजन का एक था ना, क्या नाम था उसका मैं भूल गया, ब्रॉक वर्सेस वो हुआ था, ठीक है। उसने गाइस जी मूव यूज करा था
एंड ब्रॉक ने स्टीलिक्स को लेकर के मेगा इवॉल्व करा था, ठीक है। ओके, मैं अभी किसको भेजने वाला हूँ, सिंड्रेस को भेजेंगे ना, अपने सबसे फेवरेट और सबसे शक्तिशाली पोकेमॉन को। यस, आ गया है सिंड्रेस। अब देखते हैं सामने वाला कौन सा वाला पोकेमॉन भेजने वाला है, मत्सेल को। ओके ओके, ऑल राइट, सिंड्रेस को ये पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि सिंड्रेस ने ये इस वाले पोकेमॉन को बहुत बार हराया है, तो देखते हैं इस बार भी हरा पाएगा कि नहीं। वन शॉट में 100% वन शॉट तो बोलेगा ही, सिंड्रेस तो वन शॉट बोलेगा ही यार, सिंड्रेस तो वन शॉट बोल दे मास्टर है यार। यस, कॉस्मो ग्रो टू लेवल 26। अच्छा, मैंने अभी तक कॉस्मो को अपनी टीम में रखा है क्या? अभी ये क्या बोलेगा, यू वॉन्ट बी एबल टू बीट अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट विदाउट पुशिंग द लिमिट्स ऑफ व्हाट्स पॉसिबल। ओके, यू गॉट 4500 विनिंग, यहाँ पे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं गाइस। और एक ट्रेनर मिल चुका है, डू यू नो द ओल्ड लेजेंड दैट सेज द गैलरीजन इज डूम इफ कॉर्विनाइट एवर डिसअपीयर। ओके, तो गाइस डेफिनेटली गाइस ये कॉर्विनाइट को यूज करने वाला है, ये बोल रहा है कि गैलरीजन डूम्ड हो जाएगा अगर कॉर्विनाइट डिसअपीयर हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना गाइस कॉर्विनाइट को भेजने वाला है। चलो ओके, लुकारियो जा रहा है। यस, लुकारियो एकदम खुश है, देख सकते हो इट्स हेलिंग, ट्विंक ट्विंक करके लुकारियो हमेशा डांस करता है। ओके, लुकारियो इज अवेटिंग योर डायरेक्शंस। लुकारियो बहुत ज़्यादा ये होते हैं गाइज, बहुत ज़्यादा मतलब लॉयल होते हैं, ठीक है। मैं उन्हें ऑरा स्पेयर यूज़ करा, लुकारियो का सबसे ओपी मूव देखते हैं। वन शॉट, वन शॉट, यस गाइज वन शॉट, यस गाइज वन शॉट यार, वन शॉट यार, मज़ा आ जाता है यार। अगर चैंपियन कप में भी हम लोग वन शॉट बोल बोल के ही हरा देते हैं ओपोनेंट को, तब तो और जिंगा लाला हो जाएगा ना। फ्लाइगन को भेजा, ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को। ओके, डेफिनेटली आई एम गोना स्विच माय पोकेमॉन यार, मैं अपने चारिज़ार्ड को भेजने वाला हूँ। चारिज़ार्ड के पास एक मास्टर बॉल है, आप लोगों ने देखा ना, मजा आने वाला है यार। जाओ मेरे शाइनी चारिज़ार्ड, आ गया है चारिज़ार्ड गाइस। ये पोकेमॉन जब आता है तो यार, एंड शाइनी चारिज़ार्ड काफी कूल होते हैं ना गाइस, काफी कूल होता है यार। देखो ना ब्लैक कलर में क्या ही ऑसम दिख रहा है यार। फ्लाइगन के ऊपर मैं क्या यूज करने वाला हूँ पता है, फ्लाइगन के ऊपर मेरे पास ड्रैगन टाइप मूव नहीं है इसके ऊपर यूज करने के लिए। आर्ट को एक्सेल कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, इसको फोकस ब्लास्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं, ये तो लेवल 100 का है, आई थिंक ये भी वन शॉट बोल ही देगा, ठीक है, वन शॉट बोल ही देगा। यस गाइस, वन शॉट बोल ही दिया यार, मेरे हर एक टीम मेंबर वन शॉट बोलता है यार। ओके, कॉस्मोक फटाक फटाक से इवॉल्व हो रहा है लेकिन। यू डिफीटेड कैबी। ओके, अभी कितना पैसा मिल रहा है, आई एक्चुअली डोंट नो हाउ मच द ओल्ड कॉर्विनाइट लेजेंड, यू गॉट 5524 विनिंग यार, इतने पैसे मेरे को जिम बैटल जीतने पर मिलते थे, तो इसके साथ फाइट करना ही पड़ेगा शायद से। अरे फाइट करना ही पड़ा यार, मेरे को लगा मैं चिपके से स्नीक करके भाग जाऊंगा। व्हाट आई पोकेमॉन ट्रेनर, व्हाट शुड आई डू, आई डोंट रियली वांट टू बैटल। आ जाओ यार, यू डोंट रियली वांट टू बैटल, आर यू सीरियस, देन व्हाई डिड यू स्टॉप मी यार, मेरे को स्टॉप क्यों करा अगर तेरे को फाइट ही नहीं करना है भाई। गीगा लिट, ओके गीगा लिट को भेजा इसने, ऑलराइट। एंड बहुत सारे पोकेमॉन फैंस को ये गीगा लिट पोकेमॉन बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन लुकारियो तो इसको एक ही फटके में उड़ा देगा। ओके, मैं इसके ऊपर फिर से ऑरा स्पेयर यूज़ करते हैं क्योंकि ये सुपर इफेक्टिव मूव है, ठीक है, और बहुत सारा पीपी है, ठीक है, ऑरा स्पेयर का बहुत सारा पीपी है। यस गया, यस गया, यस गया, इसके पास दूसरा पोकेमॉन भी है क्या, देखते हैं, अगर है तो मैं स्विच करने वाला हूँ। लुकारियो ग्रो टू लेवल 80 यार, बहुत बढ़िया। अबाउट टू सेंड राइड ऑन, ओके, जब राइडन को देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा याद आता है यार मेरे लेट्स गो पिकाचू वाले राइडन का। राइडन वर्सेस ग्राउडन करेंगे ना, डॉन डॉन, दोनों डॉन डॉन फाइट करेंगे गाइस, डॉन वर्सेस डॉन होगा, डॉन ऑफ जस्टिस हो जाएगा गाइस, क्या बोल रहा हूँ यार। ओके, राइडन आ चुका है सामने की तरफ, ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो। ओके, तो देखा गाइस, जैसे ही ग्राउडन आया स्नो गायब हो गया, ये है एक लेजेंडरी पोकेमॉन का पावर, अर्थक्वेक यूज करेंगे ग्राउडन के ऊपर। और इस बार सॉरी यार, वो अर्थक्वेक यूज करेंगे, मैंने बोला ग्राउडन के ऊपर नहीं, राइडन के ऊपर, और वन शॉट बोल दिया यार, आई एम सो सॉरी यार। एक टाइम पे राइडन वन शॉट दिया करता था ऑन ड्रिल यूज करके, ड्रिल पैक यूज कर, ड्रिल रन यूज करके, और अब मैंने गाइस राइडन को दे दिया यार। टायरेंट्रम ग्रू टू लेवल 70, ओके, कॉस्मोक ग्रू टू लेवल 21। कॉस्मोक तो हर एक फाइट में ग्रू हो रहा है यार। I think I got mixed up somewhere around my first Pokemon, okay? You got 4600 for winning, okay? चलो चलो चलो, अब तो वेंडन जा ही पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तूफान को ज्यादा ही नहीं है गाइस। ओ तेरे, देख सकते हो यहाँ पे कैसे घूम रहे हैं यार कॉर्वी स्क्वायर, ये एरिया काफी मस्त होने वाला है गाइस। हम लोग घुस चुके हैं वेंडन, ये है वेंडन गाइस, यहाँ पे लोग चैंपियन बनते हैं गाइस, यहाँ पे क्या गजब गजब फाइट होने वाला है, मैं सोच रहा हूँ गाइस किस किस के साथ फाइट करना पड़ेगा, क्या ही मस्त होने वाला है। देख सकते हो हॉपर में एकदम दौड़े चले जा रहे हैं,
ये विंडर, ओ रे बाप रे, विंडन तो काफी बड़ा है, काफी बड़ा है गाइस, काफी सुंदर, काफी बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है यार, देख सकते हो फुल एकदम सिनेमेटिक सीन चल रहे हैं अभी। वहां पे एक फेरिस व्हील भी है बहुत बड़ा वाला। ये है विंडन स्टेडियम। स्टेडियम देख के यार मैं मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीधा घुसे जाऊं। ठीक है, ओ बाप रे गाइस, यहां पे तो कॉर्विनाइट का एक स्टैचू बना है। कॉर्विनाइट मतलब गाइस गैलारियन का एक काफी मतलब रेस्पेक्टेड पोकेमॉन है। ओके ऑलराइट, विंडन सिटी, दिस इज द प्लेस वेयर आई बिकम अ लेजेंड एट लास्ट। ओके यू गेट इट डोंट यू मेट, आफ्टर ऑल आई एम अबाउट टू बिकम द न्यू चैंपियन ऑफ द गैलारियन। ओके तो इसके साथ मुझे एक बार फाइट करना है यार, मुझे देखना है कि इसके पास अभी कौन कौन से पोकेमॉन है। दैट्स इट, आई एम हेडेड स्ट्रेट फॉर विंडन स्टेडियम। ओके डोंट वेस्ट टू मच टाइम बोल्ट, यू शुड हेड देयर योरसेल्फ। ओके तो चलो गाइस, हाँ ये चला गया तो मैं क्या ही करूंगा, ठीक है क्या ही करूंगा गाइस, मैं भी चला ही जाता हूँ। अपना साइकिल निकाल लेते हैं, टाउन को बाद में एक्सप्लोर कर लेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस, उससे पहले तो अपने पोकेमॉन्स को हिलाप करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। अरे यार साइकिल से उतर क्यों नहीं रहे हो? ओके हेलो नर्जॉय, यस फुल्ली रेस्टोर्ड हो चुके हैं। कॉस्मोक को हटाना पड़ेगा अभी, कॉस्मोक को हटा के मुझे सुईकून को लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच नर्जॉय, थैंक यू सो मच। तो चलो गाइस ये वाला काम इधर ही कर लेते हैं, ठीक है पोकेमॉन का स्विचिंग वाला काम अभी कर लेते हैं। थैंक यू सो मच कॉस्मोक, तुम्हें सोल गए लो, बहुत जल्द बनाने वाला हूँ। ये है गाइस सुईकून, तो सुईकून को ले लेते हैं। वैसे गाइस मेरे पास अभी कौन कौन से शक्तिशाली पोकेमॉन है आप लोग खुद ही देख सकते हो। ये मेरे को मिला था गाइस उस दिन ट्रेड में, ठीक है गार्डचॉम है मेरे पास, ठीक है गार्डचॉम। ये देखो ज्वेलियोस है, ये देखो नॉइवर्न है, ये देखो गाइस ड्रोलाडॉन है, ये गाइस देखो अर्मोरा है, ठीक है ये है सुईकून, ये है मैचैम, ये तुम ये मत देखो, एरोडैक्टाइल है, लिफियन है और मैमोस्वाइन है। मैं तो ये इसी को लेने वाला हूँ, लेवल 70 का है ब्रो, हिला के रख देगा ब्रो, हिला के रख देगा पोकेमॉन चैंपियनशिप में, सुईकून हिला के रख देगा। अभी मेरा टीम एकदम स्ट्रांग वाला टीम है, टायरेंट्रम, लुकारियो, सिंड्रेस, क्राउडॉन, चारिजार्ड और सुईकून यार। चलो गाइस रहा नहीं जा रहा यार। ये है गाइस विंडन स्टेडियम। ओ एक मिनट, विंडन स्टेडियम जाने से पहले मुझे ना कुछ इंपॉर्टेंट सामान खरीद लेना पड़ेगा। तो इसके पास क्या क्या है? पोकेमॉन ड्रिंक्स है, पोकेमॉन ड्रिंक्स। ये कुछ नहीं बेचेगा क्या? ये भी कुछ नहीं बेचेगा क्या? ये भी कुछ नहीं बेचा, इसने भी कुछ नहीं बेचा, ये भी कुछ नहीं बेचने वाला है। जो चीज़ मिलने वाला है मेरे को पोकेमॉन सेंटर के अंदर ही मिलने वाला है। मुझे एक्चुअली क्या खरीदना है? मुझे रिवाइव खरीदना है, ठीक है मैं फटाक से रिवाइव खरीद लेता हूँ। ठीक है, ओ टेक्निकल मशीन भी मिलता है गाइस यहाँ पे, टेक्निकल मशीन मतलब टीएम। ओ रे वाओ, ये होता है ना बात। थंडर पंच खरीद लेते हैं क्योंकि मेरे पास थंडर टाइप पोकेमॉन अभी है नहीं, अभी के लिए ये खरीद लेता हूँ। 50,000 रुपया गया यार, थंडर पंच सिखाना पड़ेगा अपने एक पोकेमॉन को। बाकी ठीक है, हाइपर बीम खरीद लूंगा तो मेरे पास कुछ पैसा बचेगा ही नहीं। ठीक है अभी इससे बात करके देखते हैं और रिवाइव ले लेते हैं। ठीक है मैक्स रिवाइव नहीं है क्या तेरे पास? इसके पास मैक्स रिवाइव नहीं है, रिवाइव थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में ले रहा हूँ, 14 ले रहा हूँ। ठीक है ऑल राइट गाइस, चलो इधर से चलते हैं अब। ओके सब कुछ ले लिया गाइस, सब कुछ रेडी है, अभी तो गाइस मुझे फाइट करना है यार। ये है गाइस विंडन स्टेडियम जहाँ पे शायद मैं एक चैंपियन बनने वाला हूँ। ये होप तो इधर ही खड़ा है यार। Bolt, correct? We have been watching over your performance in the gym challenge, okay? This is just a formality, of course, but I will need to check your gym badges if you don't mind. Yes, yes, definitely you can check my gym badges, yeah. I am all sorted and ready to battle you on the biggest stage of them all, okay? But it looks like BDA couldn't make it hard luck. Haan, BDA nahi ban paye kyunki ab se wo ek gym leader banne wala hai na. वो अपल के साथ मिलकर के जिम लीडर बनने वाला है वो। सम आई डिडेंट थिंक ही वुड जस्ट टेक बीइंग डिस्क्वालीफाइड लाइंग डाउन, यू नो व्हाट आई मीन। ओके आई गेस इट इज व्हाट इट इज, कम ऑन बोल, वी शुड हेड टू द लॉकर रूम। ओके गाइस ये है लॉकर रूम, यहाँ पे ओ बाप रे, यहाँ पे पंचिंग बैग वगैरह सब कुछ है। प्लीज हेड टू द स्टेडियम पिच व्हेन यू आर रेडी, देख सकते हो यहाँ पे बॉक्सिंग बैग है, इसको पंच कर सकते हैं क्या? यहाँ पे डंबल्स वगैरह हैं यार, जब ये जिम देखता हूँ ना तब मुझे भी वर्कआउट करने का बहुत ज़्यादा मूड हो जाता है यार। ओके तो चलो गाइस हम लोग हैद होते हैं, फाइट करेंगे गाइस अपना पहला सेमीफाइनल मैच।
यस गाइस जा रहे हैं, थोड़ा सा घबराहट सी भी हो रहा है, बट इट इज ओके गाइस, हम लोग यहाँ तक आ गए गाइस। ओ मर्नी, मर्नी, ओ हो मर्नी के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कमाल का बैटल होने वाला, आई न्यू यूड गेट ऑल बैचेस एंड मीट मी हियर, ओके। आई नो दैट देयर इज बीन अ लॉट बिटवीन अस, व्हाट विद माय बिग ब्रदर टीम येल हेल्पिंग स्माइक मड एंड ऑल दैट, ओके। बट द ट्रूथ इज व्हेन ऑल सेड एंड डन, आई रियली जस्ट वांट टू बिकम चैंपियन फॉर माई सेल्फ, ओके। सो डोंट टेक इट पर्सनल व्हेन आई किक योर बट। अच्छा गाली दे रहे हो मर्नी, मैंने तुमको कुछ कहा भी नहीं और तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे एस को किक करोगे। ओके योर चैलेंज बाय पोकेमॉन ट्रेनर मर्नी, ओके। भेजो अपने पहले पोकेमॉन को, इनके पास अभी 6 के 6 पोकेमॉन है, उन्हें 5 पोकेमॉन है। लीपर्ड वर्सेस ट्रायन ड्रम होने वाला है, पहला मैच होने वाला है गाइस, लीपर्ड वर्सेस ट्रायन ड्रम। तो जाइगेंटामैक्स इज रेडी गाइस, डायनामैक्स इज रेडी, लेकिन मैं गाइस अपने चार्जर्ड को जाइगेंटामैक्स कराने वाला हूं, ठीक है। आई हैव गॉट टू विन दिस मैच इफ आई एम गोना बी चैंपियन, ओके। आई एम सो सॉरी लीपर्ड, लेकिन तुम्हें हराना पड़ेगा। ट्रायन ड्रम दिखा दो, टॉर्मन यूज कर रहा है अभी ट्रायन ड्रम को, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अभी ट्रायन ड्रम तो 2 गुना पावरफुल आर्ट को यूज करेगा, क्या वन शॉट बोल्ट है। क्या हो गया मर्नी, क्या हो गया, एक डायनासोर पोकेमॉन को गुस्सा दिलाओगे, ओके। सिंड्रेस लेवल 66 का हो गया, ओके ओके। स्क्रैफ्टी को भेज रहा है, डेफिनेटली आई एम गोना स्विच माय पोकेमॉन, क्योंकि गाइस आप सभी भाइयों को पता है कि मैं हमेशा पोकेमॉन चैंपियनशिप में हमेशा पोकेमॉन को स्विच कर करके बैटल करता हूँ। अगर आप लोगों ने लेट्स गो पिकाचू वाला सीरीज देखा है तो आप सभी भाइयों को याद होगा ये चीज, ठीक है। मैं सारे के सारे पोकेमॉन्स को यूज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ओके। सुईकून आ गया, ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन वर्सेस स्क्रैफ्टी होने वाला है, देखते हैं गाइस। स्क्रैफ्टी देख तुम्हारे सामने क्या है, तुम तो रॉक टाइप हो, तुमको तो धूल चटवा देंगे यार, धूल चटवा देंगे इसको गाइस। इसके ऊपर यूज करने वाला हूं लिक्विडेशन, ठीक है। कमान स्वीकुन गया, वन शॉट बोल्ट है, वन शॉट, लेजेंडरी पोकेमॉन स्वीकुन है यार, वन शॉट क्यों नहीं बोलेगा यार। मर्नी तुम्हारे दूसरे पोकेमॉन को भी हरा दिया यार, मजा आ रहा है गाइस, फाइट तो अभी बहुत जोरदार हो रहा है मॉर्पे को, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को भेज रही है वर्सेस होने वाला है चारिज़ार्ड, लेकिन मुझे अभी चारिज़ार्ड को नहीं भेजना था क्योंकि मैं लास्ट में सोच रहा था कि जाइगेंटामैक्स करूंगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाओ चारिज़ार्ड जाओ, ओके। देख सकते हो शाइनी चारिज़ार्ड इज ऑन द बैटल ग्राउंड बॉयज, मॉर्पेको आ गया है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं मारनी कुछ बोलने वाली है, अच्छा कुछ नहीं बोली। मैं यूज करने वाला हूँ आर्ट क्वेक, मॉर्पेको के ऊपर सुपर इफेक्टिव है, तो मॉर्पेको इनका फर्स्ट पोकेमॉन है एंड मैंने इनका मेन पोकेमॉन और फर्स्ट पोकेमॉन को एक ही फटके में हरा दिया, चार्जर्ड ओपी इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं चार्जर्ड को अभी स्विच नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, चार्जर्ड ही लड़ेगा अगला बैटल में, चार्जर्ड ही लड़ेगा। टॉक्सिक क्रोक, हाँ हाँ भेजो भेजो टॉक्सिक क्रोक को भेजो, ठीक है, आई एम वेटिंग। आ गया है टॉक्सिक क्रोक, आई थिंक ये इनका लास्ट पोकेमॉन है ना, और नहीं इनका लास्ट पोकेमॉन टॉक्सिक क्रोक नहीं है, एयर स्लैश यूज करेंगे जो कि एक सुपर इफेक्टिव मूव है। अरे वाह, मेरे को कुछ भी डैमेज नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हें डैमेज मिलेगा, लेकिन बाय बाय टॉक्सिक रॉक। 2 शॉट बोलते हैं क्योंकि गाइस पहला तो 1 शॉट हम लोग बोल ही चुके हैं, अभी ये दूसरा पकवान है तो 2 शॉट बोलते, ठीक है। अभी 3rd शॉट बोलते करेंगे, ओ आई डोंट थिंक सो 3rd शॉट बोल पाएंगे एक ही बारी में, क्योंकि ये अभी डायनामैक्स यूज करने वाली है। ग्रिमस्नर्ल, ओके, नो आई एम नॉट गोना स्विच माय पोकेमॉन, ओके। आई हैव गॉट एवरीवन शेयर्स बैकिंग मी, आई एम रियली रियली गोना विन दिस टाइम, ठीक है। अभी तुमको लगता है कि तुम जीतोगे तो ऑलराइट ऑलराइट गाइस, ये गाइस ये कौन है पता है, मेरे पास एक पोकेमॉन था, उसका नाम क्या था, अरे मैं भूल गया, एक साइकिक टाइप पोकेमॉन, और इसका ये फाइनल वर्जन फॉर्म है और काफी शक्तिशाली पोकेमॉन। चलो गाइस जाइगेंटामैक्स यूज करेंगे और इसके ऊपर जी मैक्स वाइल्डफायर यूज करेंगे, मजा आने वाला है। यस चारिज़ार्ड कम ऑन बडी, करके दिखाओ बडी, यस आ गया है गाइस, आ गया है गाइस, यस चारिज़ार्ड ओपी इन द कमेंट सेक्शन गाइस, मजा आने वाला है गाइस। आ गया है चारिज़ार्ड और वो भी जाइगेंटामैक्स वाला, ठीक है। लियोन के साथ जब बैटल करूंगा गाइस, ओके, माय ब्रो माइट नॉट यूज इट बट आई विल जाइगेंटामैक्स माय पोकेमॉन। ओ इनके पास भी जाइगेंटामैक्स फॉर्म है क्या, चलो तो देखते हैं इसका जाइगेंटामैक्स फॉर्म कैसा है, जाइगेंटामैक्स वर्सेस जाइगेंटामैक्स होने वाला है गाइस। ओ वाओ ओ वाओ ओ वाओ गाइस, ये तो काफी ऑसम दिख रहे हैं, 49 लेवल का है और मेरा 100 लेवल का है, ठीक है, काफी बड़ा हो गया, लेकिन जी मैक्स वाइल्ड फायर यूज करा मैंने इसके ऊपर, देखते हैं जी मैक्स वाइल्ड फायर को सर्वाइव कर पाएगा। वन शॉट गाइस, वन शॉट नहीं 3rd शॉट बोलते, मेरे को लगा नहीं था कि
कि चाइजर थर्ड शॉट भी बोल पाएगा। बट गाइस सेमीफाइनल का पहला मुकाबला आराम से जीत गए गाइस, आराम से गाइस। चाइजर ओपी, ट्रिपल ओपी इन द कमेंट सेक्शन गाइस। कमाल का फाइट करा, कमाल का यार, एक भी पोकेमॉन फेंट नहीं हुआ मेरा। अब मारनी क्या बोलेगा, लेट्स लिसन। अरे ये घर के ऊपर से प्लेन जा रहा है यार, आपको सुनाई दे रहा है क्या प्लेन वाला आवाज? ओके सो आई लॉस्ट बट आई गॉट टू सी अ लॉट ऑफ द गुड पॉइंट्स ऑफ यू एंड योर पोकेमॉन। इनको थोड़ा सा दुखी आ रहा है बट इट इज ओके मारनी, तुमने बहुत अच्छा फाइट किया, ठीक है ओके। अब क्या होने वाला है, एवरीवन एट द स्टेडियम वाज वाचिंग अस ड्यूरिंग ऑल दैट, आई हर्ड देम चीयरिंग फॉर मी एंड माय पोकेमॉन, इट वाज नाइस, आई मे हैव लॉस्ट बट एट लीस्ट वी ड्रॉप द ऑडियंस व्हाइल, यस गेस दैट्स नॉट सो बैड, ओके थिंक आई विल जॉइन माय ब्रदर इन द स्टैंड्स एंड विल वॉच फ्रॉम द साइड लाइंस टू सी हु एंड्स, ओके। तो ये आउट हो चुकी है पोकेमॉन जर्नी से, मतलब पोकेमॉन अभी चैंपियनशिप से, अब चैलेंजर चैंपियन, ओके। जस्ट सो व्हाई नो आई स्टिल हैवन डिसाइडेड इफ आई एम गोना चीयर फॉर यू, ओके। तो ये मेरे से हार चुकी है ना, तो ये बोल रहा है कि मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं तुमको चीयर करूंगा कि नहीं, ठीक है सी या। अरे ऐसा मत बोलो यार, पोकेमॉन फाइट में तो ऐसा होता ही है ना गाइस। तो हार गया अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। अच्छा हॉप आ गया है बोल्ट, आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द फाइनल मैच, ओके। आफ्टर सीइंग द वे यू बैटल आई कैन एक्सेप्ट एनी आउटकम बिसाइड्स विनिंग दिस मैच, माई टीम इज ऑन फायर, ओके। तो हॉप वर्सेस अभी कौन होने वाला है, आई डोंट। तो देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्टर आ चुका है, ओ नो पार्डन मी, ओके। I know you didn't get a long break, but the match before yours ended more quickly than expected. हाँ मैंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। Challenger Hop won quite handily. So as soon as you're ready, we would like you to back on the pitch, okay? तो guys जैसे कि सुना guys, हम लोग तुरंत अभी final match कर सकते हैं और उसके बाद champion match। लेकिन guys champion match हम लोग आज नहीं कल करने वाले। तो guys अगर यहाँ तक आप लोग को देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आया, अपने बोल भाई को दिल से सपोर्ट करो, लाइक और सब्सक्राइब करके। मिलते हैं कल, तब तक के लिए guys आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो, bye bye, take care, sayo. Nara.